नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया और चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर कारंजा से आई है, जहां अकोला के संकल्प नगर में हुई चोरी की एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। पेश है हमारे संवाददाता शेख सर की रिपोर्ट। अकोला के संकल्प नगर में वाशिम कोर्ट में कार्यरत नितिन खंडारे के घर पर रात में चोरी हुई। चोरों ने आधी रात को लोहे के ग्रिल गेट को तोड़कर घर में दाखिल होकर 12,000 रुपए नकद और 2 चांदी के सिक्के, जिनकी कीमत लगभग 1,000 रुपए बताई जा रही है, चुरा लिए। यह वारदात 24 सितंबर की रात को हुई, जब नितिन खंडारे, उनकी पत्नी और बेटी खाना खाने के बाद सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे नितिन को अपने बेडरूम के अंदर से अलमारी टूटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जब वह अंदर गए तो देखा कि 2 अज्ञात लोग उनका सामान अस्तव्यस्त कर रहे थे। नितिन को देखते ही चोर भाग गए। नितिन ने देखा कि उनकी लोहे की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था और 12,000 रुपए नकद और चांदी के सिक्के गायब थे। हैरान करने वाली बात यह है कि नितिन खंडारे के भाई प्रवीण खंडारे कारंजा ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार हैं और इसके बावजूद यह चोरी हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि अकोला में चोरों को अब पुलिस का भी डर नहीं रहा और अब पुलिस कर्मियों के घर भी सुरक्षित नहीं हैं। अकोला के जूना पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यह थी कारंजा से हमारे संवाददाता शेख सर की रिपोर्ट। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाती है। आप जुड़े रहिए VSM प्राइम के साथ और पाते रहिए ताज़ा खबरें सबसे पहले।